दोस्तों, रेगिस्तान के महारथी कार्यक्रम में हम जैसलमेर के ऐसे कलाकारों से, ऐसे व्यक्तियों से हम आपको मिलवाते रहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया हो, और ये हमारे आज के कलाकार हैं, रावण हत्ता बजाने वाले। आपका नाम क्या है? पप्पू। और पप्पू जी, हमारे ये यहाँ के, देखिए, किले के नीचे हम बैठे हुए हैं। जितने पर्यटक आते हैं, रावण हत्ता खरीदते हैं, इनकी धुनें सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजस्थानी, फिल्मी, सब कुछ ये बजा लेते हैं। पप्पू जी, ये बताइए, आप कब से बजा रहे हैं ये मेरे को 25-30 साल हो गए। और 30 साल से, तो ये सीखा किससे था आपने? हमारे पिताजी बजाते थे। तो इनके पिताजी बजाते थे और ये खानदानी काम है इनका, और आगे आपके बच्चे भी सीख रहे हैं क्या? अभी तो देखो, कल्चर कुछ बदल रहा है, पर एक दो बच्चे बजा लेते हैं। अच्छा, धीरे धीरे उनको वो भी सीख जाएंगे। तो पूरे परिवार का खर्चा आप इसी से चलाते हो? इसी से चलता है सब। अच्छा, ये जो, ये किसका बनाते हो, ये क्या बनाते, कैसे होता है, इसके बारे में बताओ। ये देखो, ये है, ये बांस की लकड़ी है। हाँ। ये नारियल है। बिल्कुल। और ये अल्मोनियम है, ये घोड़े का बाल है, और हम ये बकरे की खाल आती है इसको लगाने के लिए, और ये राजस्थानी सिंपल राजस्थान का इंस्ट्रूमेंट है। ये राजस्थान का। हाँ। तो जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर, आप कभी कभार आपसे मांगते हैं कि मेरे को खरीदना है, तो ये कितने में उनको बेचते हो? देखो, जैसा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जैसा 1000-1500 रुपये लेते हैं हम। मेहनत तो काफ़ी लगती है इसके अंदर, बहुत सारी मेहनत लगती है। अच्छा, सबसे पॉपुलर धुन जो पर्यटक आपसे चाहते हो कि ये बजाओ, वो कौन सी है, जो वो थोड़ा बजा के बताओ? हम बता, केसरिया बालम बजाते हैं। केसरिया राजस्थान का मशहूर गोरबंद है और केसरिया बालम है। अच्छा, ये फिल्मी धुने आप कैसे बजाना सीखे? ये कैसे, लोग डिमांड करते थे कि हमें फिल्मी गाना सुनना है, तो सीखे कहाँ से? अपने आप खुद बनाना? खुद हम इससे सीखते हैं। अच्छा। और कुछ सुनते हैं पहले, सुन के हमारे या ये दिल के मायने रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अभी ये बजाना है। और लास्ट में कौन सी फिल्म का आपने तैयार किया है, वो थोड़ा बताओ। पुराना बजाऊं? हाँ, जो अच्छा आता हो सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी, आपने हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा रावड़ हत्था बजाया, और जो भी पर्यटक आए आपके सुन सुन के बहुत तारीफ करें आपकी, और आप एक बहुत बड़े कलाकार बनो, आपके बच्चे सुखी रहें, ये इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।